एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट सम क्या है? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति द्विघात समीकरण आपको क्या दिया होता है, जैसे पहला पार्ट ले लेते हैं, क्या है 2x² - 3x + 5 = 0। सवाल क्या कहता है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, यदि मूलों का अस्तित्व हो, ठीक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि उसके बाद में क्या करने हैं, मूल निकालने हैं। तो मूलों की प्रकृति का मतलब क्या है कि हमने जो ग्राफ किया था उसमें द्विघात समीकरण का ग्राफ या तो बिना छुए चला जाता है या फिर क्या जाता है, छू कर जाता है, और या फिर क्या कर जाता है, काट कर जाता है, ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं। तो ये जो एक्स एक्सिस होता है ना, ये क्या होती है, वास्तविक रेखा होती है। कैसी होती है? वास्तविक रेखा कह देते हैं, छोटी क्लासों में इसे संख्या रेखा कह देते हैं, ठीक है, कि पूरे के पूरे ग्राफ पे सिर्फ ये एक ही लाइन है जो क्या है, रियल में है, ठीक है, जिसका कुछ मायने हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये ग्राफ इसको बिना छुए जाता है तो इसका मतलब इसके मूल क्या है, काल्पनिक हैं, ठीक है, कि वास्तव में वास्तविक लाइन को टच नहीं कर रहे, तो फिर क्या कहलाएंगे, काल्पनिक। अगर इसको टच करके चला जाते हैं तो क्या है, वास्तविक है। इसको क्रॉस करके चला जाते हैं तो भी क्या है, वास्तविक है। तो वास्तविक दो कंडीशन में है, क्या, या तो छू कर चला जाए या फिर काट के चला जाए, ठीक। तो बिना छुए चला गया तो क्या कहलाएगा, यानी इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। और काल्पनिक का मतलब होता है जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अगर इसके मूल काल्पनिक हुए तो हम नहीं निकालेंगे मूल, तो हम कब निकालेंगे मूल, जब क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो वास्तविक कब होते हैं, जब या छू के चला जाए या फिर काट के चला जाए। तो इन दोनों कंडीशन में ही क्या रहेंगे, वास्तविक रहेंगे, ठीक है। लेकिन द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, दो होते हैं। मूल कितने होते हैं, तो यहां पर तो दोनों के दोनों मूल क्या है, काल्पनिक हैं। दोनों के दोनों मूल क्या है, इनको तो हम सॉल्व करेंगे नहीं। यहां पर जो दोनों के दोनों मूल होंगे अगर टच करके जाएगा तो क्या होंगे, दोनों के दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, समान, और जब क्रॉस करके जाएगा तो फिर मूल क्या होंगे, भिन्न, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो आपको द्विघाती सूत्र लगाना पड़ता है। क्या सूत्र है, द्विघाती सूत्र। उसके अकॉर्डिंग आपको अल्फा बीटा, यानी कि जो दो आपके मूल होते हैं वो आपको कैसे पता लगते हैं, क्या फार्मूला है, -b + -√d/2a, ठीक है, जहां पर d जो है वो क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, हिंदी में क्या कहते हैं, विविध कर, ठीक है। d कैसे पता लगाया जाता है, d का फार्मूला क्या है, b² - 4ac। यही आपको क्या बताएगा, मूलों की प्रकृति बताएगा। यही क्या बताएगा, मूलों की प्रकृति। कैसे, अगर d की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, तो मूल कैसे होंगे, समान होंगे। मूल कैसे होंगे, और समान होंगे तो कैसे होते हैं, वास्तविक। तो समान व वास्तविक, समान होंगे और साथ में क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अगर d 0 नहीं आया तो या तो क्या आएगा, प्लस का आएगा या फिर क्या आएगा, माइनस। d अगर प्लस का आ जाता है तो मूल क्या होंगे, भिन्न होंगे। मूल कैसे होंगे, भिन्न, लेकिन आएंगे तो सही, आएंगे तो क्या होंगे, वास्तविक ही होंगे। लेकिन अगर d का मान क्या आ जाता है, माइनस, नेगेटिव आ जाता है, तो फिर तो मूल तो पता ही नहीं लगा पाऊंगा मैं, तो कैसे होंगे, काल्पनिक। कैसे होंगे, तो हमें 10वीं क्लास में सिर्फ क्या बताए गए हैं, वास्तविक मूल निकालने सिखाए गए हैं, ठीक है। काल्पनिक आपके 10वीं क्लास तक नहीं आते हैं, प्लस वन क्लास में जाओगे तब आपके डी भी आ जाएगा, काल्पनिक भी आ जाएंगे। आगे समझ में क्या, तो डी निकालने का फार्मूला क्या है, b² - 4ac निकालते हैं।
बी इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू कितना है -3, सी का वैल्यू कितना है 5। तो -3 का स्क्वायर -4 ए इंटू में सी, तो माइनस का स्क्वायर कितना +3 का स्क्वायर कितना 9, -4 × 8, 8 × 5 = 40, ठीक है। कितना आया -30 कैसा है नेगेटिव है, डी का वैल्यू कैसा है नेगेटिव है, तो इसके मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे, ठीक है। मूलों का अस्तित्व नहीं है इसलिए आगे सोल्व हम नहीं करेंगे। आगे समझ में क्या ये सेकंड पार्ट में निकालो जल्दी से। सेकंड पार्ट कितना है 3x² - 4√3x + 4 = 0, ए का वैल्यू कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है -4√3, सी की वैल्यू कितनी है 4। तो सबसे पहले डी ही चेक करना है, तो डी क्या होता है b² - 4ac, कितना -4√3 का स्क्वायर -4 a × c, माइनस का स्क्वायर +4 का स्क्वायर = 16, 16 × 3 = 48, 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48, तो 48 - 48 यानी डी की वैल्यू कितनी आई है 0। लेकिन मूल कैसे हैं, वास्तविक है या नहीं है, वास्तविक है ना, तो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, तो अल्फा बीटा कैसे आता है -b + √d/2a, माइनस बी का वैल्यू कितना है -4√3 + डी का वैल्यू कितना है 0 अपॉन में कितना 2, ए कितना है 3, माइनस गुणा में माइनस 4√3 + 0√0 क्या होता है, तो इसमें 0 जोड़ेंगे तो भी ये 4√3 रहेगा, इसमें से 0 घटाएंगे तो भी क्या रहेगा 4√3 रहेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर। अपॉन में कितना है 6, तो 2 × 4 = 2, 3 = 6, कितना आया 2√3 अपॉन में कितना 3, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आई है, दोनों की वैल्यू आई है अल्फा की भी और बीटा की भी, तो यानी कि अल्फा भी इतना ही है और बीटा भी इतना ही है, दोनों मूल क्या है समान है। आगे समझ में क्या ये, नेक्स्ट पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट 2x² - 6x + 3 = 0, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -6, सी का वैल्यू 3। डी चेक करते हैं b² - 4ac, -6 का स्क्वायर -4 × a × कितना सी, -6 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर = 36, 4 × 8 = 24, कितना आया किसका है प्लस का है वैल्यू। तो मूल आएंगे कैसे आएंगे, वास्तविक आएंगे, निकालने पड़ेंगे। अल्फा बीटा क्या होता है -b + -√d/2, ठीक है। तो पेपर में हो सकता है यहाँ पे d लिखा हो या फिर यहाँ पर d की वैल्यू लिख रखी हो, कितना b² - 4ac, दोनों चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो -b कितना है -6 + √d हम निकाल चुके हैं, कितना है 12 अपॉन में कितना 2 × a 2, माइनस माइनस
बारह के टुकड़े करने हैं, क्यों? बारह का पूरा वर्गमूल तो आता नहीं है, तो बारह के कुछ हिस्से कर लो जिसमें से कुछ बार आ जाए। तो चार गुना में कितना? तीन। तो चार का वर्गमूल क्या आ जाएगा? दो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? वर्गमूल तीन। ठीक है, अपॉन में कितना है? फोर। ऊपर दोनों में से क्या कॉमन आता है? दो कॉमन आता है, कितना? थ्री प्लस माइनस रूट थ्री, अपॉन में कितना? फोर। कितने पे? तो क्या आया? थ्री प्लस रूट थ्री अपॉन में कितना? टू, या फिर थ्री माइनस में कितना? रूट थ्री अपॉन में कितना? टू। तो ये आपके दो मूल आ जाएंगे, अल्फा और बीटा। ठीक है, जब मूल ऐसे आते हैं तो इसका मतलब ये गुणनखंड विधि से हल नहीं होगा। आगे समझ में क्या? कि ये गुणनखंड विधि से हल नहीं होगा, तो उसके लिए फिर डी ही यही लगाना पड़ेगा आपको, द्विघाती सूत्र। कौन सा? दूसरा। दूसरे में ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो मूल बराबर कब होते हैं? हाँ, लेकिन ग्राफ तो नहीं बनाना ना हमें, तो और किसी कोई फार्मूले के अकॉर्डिंग बताओ। फार्मूले के अकॉर्डिंग बताओ कि मूल समान कब होते हैं? जब d इजिकल टू क्या होता है? जीरो। मैं सिर्फ वही चीज़ पुट करूँगा कि d बराबर क्या रखूँगा? जीरो रखूँगा। तो उसमें d का होता है बी स्केयर, बी का वैल्यू भी आ जाता है, a भी आ जाता है और उसमें c भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं पर तो k आएगा, k की वैल्यू निकाल लेंगे। आगे समझ में क्या? तो सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, k का मान पता लगाना है। ठीक है, कब? जब मूल क्या हो? समान हो। मूल क्या हो? तो मूल समान कब होते हैं? जब d कितने के बराबर होता है? जीरो। और d क्या है? हमें फार्मूला पता है क्या? बी स्केयर माइनस फोर ए सी बराबर क्या आना चाहिए? जीरो। तो हमें पहले समीकरण देखना पड़ेगा कि फर्स्ट पार्ट में समीकरण क्या दे रखा है। टू एक्स स्केयर प्लस के एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू कितना? जीरो। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू कितनी है? k। c की वैल्यू कितनी है? थ्री। बस ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, k का मान आ जाएगा। b का स्केयर कितना? k का स्केयर माइनस में कितना? फोर इंटू में इज इक्वल टू k स्केयर, चार दूना आठ, आठती है चौबीस, माइनस के चौबीस उधर जाके प्लस के चौबीस स्केयर है, उधर जाके क्या लग जाएगा? रूट। रूट के आगे क्या लगता है? प्लस माइनस। 24 के टुकड़े करो, क्योंकि 24 का पूरा वर्गमूल तो आएगा नहीं, तो ऐसे करने हैं जिसमें से वर्गमूल कुछ बाहर आ जाए। क्या करें? 6 गुना में कितना? 4। ठीक है, 6 के टुकड़े करोगे तो क्या आएगा? 2 गुना 3 आएगा, तो ना तो 2 बार निकल पाएगा ना 3 बार निकल पाएगा, सिर्फ ये 4 बार निकल सकता है। चार बार निकलेगा तो कितना आएगा? दो, अंदर क्या रह जाएगा? छः। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस टू रूट सिक्स। ठीक है, आगे समझ में क्या? ये सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट को ना पहले थोड़ा सा सोल्व करो, क्योंकि द्विघात समीकरण आपको दिखाई नहीं दे रहा ना अभी, तो पहले सोल्व करो इसे, अंदर मल्टीप्लाई करो। के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना है? k। b का वैल्यू कितना है? माइनस 2k। c का वैल्यू कितना है? 6। मूल कैसे हैं? समान दे रखे हैं, तो समान दे रखे हैं, तो एक बार फिर d बराबर क्या पुट करना पड़ेगा? 0। d होता क्या है? b स्क्वायर माइनस 4 इज। b कितना है? माइनस टू के का स्केयर माइनस फोर इंटू में ए इंटू में सी इजिकल टू कितना? जी। माइनस का स्केयर प्लस टू का स्केयर
4k² 24k बराबर में दोनों में से क्या कॉमन आता है? 4k कॉमन आता है, k माइनस 6 इज इक्वल टू कितना? 0। 4 गुणा में k माइनस 6 बराबर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 4 तो 0 हो नहीं सकता, किस किस को 0 होना पड़ेगा? या तो k 0 हो जाए, ये वाला जो k है ना वो क्या हो जाए? 0। और या फिर क्या हो जाए? k माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाए? 0। ठीक है, तो यहाँ से k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। यहाँ से k इज इक्वल टू कितना है? 0। तो यहाँ पर k की दो वैल्यू आती है कि अगर k का मान यहाँ पर 0 पुट कर लोगे तो भी आपका d क्या आएगा? 0 आएगा। और k की वैल्यू अगर 6 पुट कर लोगे तो भी क्या आएगा? 0। k की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं, 0 गुणा में समथिंग 0, 0 गुणा में समथिंग 0, क्या बचा? तो ये तो आपका द्विघात समीकरण बना ही नहीं, ये तो आपका द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण ही नहीं होगा तो मूल निकालोगे कैसे? तो इसको क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा कि के की वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर के की वैल्यू क्या लेनी है? 6 लेनी है। के की वैल्यू क्या लेनी है? तो 6 लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6x², ये कितना? 6 × 12x प्लस में कितना? 6 इज इक्वल टू कितना? 0। सब में से क्या कॉमन है? 6। तो समीकरण क्या बनेगा? माइनस के 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, क्या फैक्टर बनेंगे इसके? गुणा कितनी लेके आनी है? गुणा क्या लेके आनी है? प्लस का 1 लेके आनी है, और जोड़ क्या लेके आना है? माइनस का 2 लेके आना है। तो कौन से लेंगे? -1 और -1। ठीक है, तो आपने क्या लिया? x² -1x - 1x + 1 इज इक्वल टू कितना? 0। पहले में से क्या कॉमन? x - 1। दूसरे में से क्या कॉमन? -1 कॉमन। तो एक ब्रैकेट क्या? x - 1, दूसरी ब्रैकेट भी क्या? x - 1। तो यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आई? 1। यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आई? 1। तो दोनों के दोनों मूल क्या आए हैं? समान आए हैं। आगे समझ में क्या? तो यहाँ पर k की वैल्यू 2 आई थी, ठीक है, कंडीशन तो क्या ली थी कि d बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसको जब सोल्व किया तो k के 2 मान आते हैं, लेकिन जब k की ये वैल्यू रख के देखी तो ये तो इस समीकरण को संतुष्ट ही नहीं करती है ना, क्योंकि 0 किया तो ये भी 0 हो गया, ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये तो फिर संभव है नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण बचा ही नहीं हमारे पास। तो फिर k की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 6। कर लोगे ये? अगला सम देखो, तीसरा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? तो जब लंबाई और चौड़ाई की बात आ रही है तो इसका मतलब क्या बन रही है? आयत बन रही है। क्या बन रही है? तो आयत में लंबाई और चौड़ाई क्या है? लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? चौड़ाई से दुगनी, तो 2 गुना में कितना? चौड़ाई। तो इसलिए मुझे क्या मान लेनी चाहिए? हाँ, तो माना चौड़ाई कितनी मान लेते हैं? एक्स। तो इसलिए फिर लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x। ठीक है, आगे फिर और क्या कहता है साथ में? और उसका क्षेत्रफल कितना हो? 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाला कैसे जाता है? लंबाई गुणा में कितना? चौड़ाई, यही होता है। इज इक्वल टू कितना? 800 2x² इज इक्वल टू कितना? 800 बटे में कितना 2 400 वर्ग, उधर जाके वर्गमूल, लेकिन वर्गमूल के आगे तो x इज इक्वल टू कितना? प्लस माइनस,
400 का वर्गमूल कितना होता है 20, तो x की वैल्यू क्या आई प्लस का 20 आया और x की वैल्यू क्या आई माइनस का 20 आया। माइनस के 20 को क्या कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होती। तो x की वैल्यू कितनी आई है 20। ये कहता है कि ये जो कंडीशन दी गई थी ये संभव है या नहीं है, ये जो कंडीशन दी गई थी ये संभव, तो संभव कब नहीं होती। यहां पर क्या बना था द्विघात समीकरण बना था ना ये, अगर पावर 2 आ रही है तो मतलब द्विघात समीकरण तो बन रहा है, ठीक है। इसको हल करने का तरीका हमने सीधा ही सोल्व कर दिया, क्योंकि यहां पर x वाली रकम नहीं थी, x वाला जो पद था वो नहीं है ना इसमें, तो ये सीधा का सीधा सोल्व हो गया। x के इक्वल टू 400, x इक्वल टू कितना प्लस माइनस 20। लेकिन अगर इसको जब सोल्व करते तो x के इक्वल टू अगर माइनस का 400 आ जाता, x के कितना आ जाता, तो वर्ग उधर जाके क्या होता, वर्गमूल के अंदर कौन होता, तो क्या इसका वर्गमूल निकाल पाते, नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि रूट के अंदर क्या है माइनस है, और इस द्विघात समीकरण में कहाँ रूट की जरूरत पड़ती है, रूट के अंदर कौन होता है डी होता है, रूट के अंदर कौन होता है डी, और डी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब इसके मूल कैसे हैं काल्पनिक। लेकिन हमारा काम चल गया, हमारे सामने क्या था 400 था, तो 400 का वर्गमूल कितना आया प्लस माइनस 20 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दी गई स्थिति है वो संभव है, और संभव है तो इसलिए हमने लंबाई और चौड़ाई निकाल दी। लंबाई की चौड़ाई कितनी आई है हमारी 20, चौड़ाई कितनी आई है 20 और लंबाई कितनी आई है 20 गुना में 2 कितना 40। आ गया समझ में क्या, अगर ये स्थिति संभव नहीं होती तो पक्का क्या होता डी की वैल्यू क्या आनी थी माइनस आनी थी, ठीक है। यहां से आप निकाल सकते हो, यहां पर 2x² ये है, x² इक्वल टू कितना 400 हो गया, इसको इधर लेके आओगे तो x² माइनस 400 बराबर में कितना 0। a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है 0, c की वैल्यू कितनी है माइनस के 400। तो d ही चेक करना होता है कि d अगर अस्तित्व हुआ तो आगे सोल्व करेंगे, तो कितना 20² माइनस में कितना 4ac, b कितना है माइनस में कितना 4 इंटू में कितना a इंटू में कितना माइनस के 400। 0 का स्क्वायर तो क्या होता है 0, माइनस गुणा में माइनस, 4 गुणा में 4 कितना 1600, तो d की वैल्यू कितनी आई है 1600। आ गया समझ में, डी क्या है पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया तो इसके मूल आएंगे, इसका मतलब ये जो दी गई स्थिति है ये संभव है, ठीक है। अगला सम देखो क्या है, अगले में भी यही चेक करना है कि स्थिति संभव है या नहीं है, अगर संभव हुई तो फिर उसका आंसर निकालेंगे। फोर्थ, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष, तो एक मित्र की आयु मान लेते हैं कितना x वर्ष माना है, तो लिखना पड़ेगा माना, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी किसके अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार, कितनी हो जाएगी 20 माइनस में कितना x, उसके बाद में 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी थी, कितनी x माइनस 4, दूसरे मित्र की आयु कितनी थी 4 वर्ष पूर्व 20 माइनस एक्स माइनस 4 कितनी 16 माइनस एक्स। प्रश्न क्या कहता है, 4 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना 48। तो देखते हैं इससे आंसर आएगा या नहीं आएगा, आंसर कैसे नहीं आएगा, कब नहीं आएगा, जब b की वैल्यू क्या होगी माइनस। तो पहले द्विघात समीकरण बनाते हैं, x गुना में 16 गुणा करवाते ही तुम्हारे सांप सूंघ जाता है तुम्हें, है ना,
कितना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 16 प्लस के 4 प्लस के 20 एक्स माइनस के 64 माइनस के 48 इक्वल टू कितना 0। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 20 एक्स माइनस के 112 कितना साइन चेंज यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई प्लस के बराबर कितना चेक करते हैं डी। अगर ये संभव हुआ तो आगे सोल्व करेंगे तो वो डी से ही पता लगेगा। डी क्या होता है बी कितना है बी का स्केयर माइनस कितना 4 इंटू में ए इंटू में सी माइनस का स्केयर प्लस 20 का स्केयर 448 माइनस के कैसा है नेगेटिव है कैसा है तो डी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस आ रही है इसलिए इसके मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे तो दी गई स्थिति संभव नहीं है। दी गई स्थिति संभव नहीं है यही लिखना है बस आगे समझ में क्या यहां तक करके दिखाना है लेकिन यहां पर जाके पता लगेगा कि ये चीज संभव है या नहीं है। कौन सा क्या परिमाप 80 यानी कि परिमाप तो कितना होना चाहिए 80 मीटर और क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो माना एक तो मान ही लेते हैं माना चौड़ाई चौड़ाई मानेंगे उससे लंबाई आ जाएगी ठीक है। लंबाई निकालने के लिए किसकी सहायता लेंगे इन दोनों में से किसकी सहायता लें अगर लंबाई निकालनी हो तो किसकी सहायता लें परिमाप की सहायता लेते हैं। क्यों परिमाप क्या होता है आयत का परिमाप परिमाप का फार्मूला क्या होता है आयत का आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है तो आयत का परिमाप क्या होगा 2 ब्रैकेट में कितना एल प्लस बी ये कितना दे रखा है कितना दे रखा है 80 ये गुणा में 2 है भाग में चला जाएगा तो एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना 40 एल प्लस बी की वैल्यू हमने ले रखी है एक्स मीटर बी की वैल्यू क्या ले रखी है इज इक्वल टू कितना तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 माइनस में कितना आ जाएगा एक्स तो इसलिए लंबाई कितनी आ जाएगी 40 माइनस में कितनी आ जाएगी x ठीक है। एक का यूज किया परिमाप का यूज कर लिया ना अब कहाँ चलना है क्षेत्रफल पे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हाँ क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना में क्या होता है चौड़ाई कितना दे रखा है लंबाई कितनी है 40 माइनस x चौड़ाई कितनी है बराबर में क्या होना चाहिए 400 अंदर गुना करवाओ 40 एक्स बराबर में कितना कितना है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के कितने हैं 40 एक्स इधर ले आओ बराबर में कितना क्या करें एक्स स्क्वायर माइनस के कितने हैं 40 एक्स प्लस के कितने हैं 400 बराबर में कितना 0 क्या चेक करें डी कितना बी स्क्वायर माइनस कितना माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस में कितना 4 इंटू में ए इंटू में कितना सी माइनस का स्क्वायर प्लस 1600 वास्तविक तो है ना हल हो जाएगा
तो डी निकाल ही चुके हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही अल्फा बीटा निकाल देते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में कितना 2a, बी कितना है माइनस के 40, प्लस माइनस कितना 0 का रूट कितना हो जाएगा 0 अपॉन में 2 इंटू में a 1, तो माइनस गुना में माइनस, तो प्लस के 40 बटे में कितना 2, ये 0 ही है तो 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आया 20। ये किसका मान आया है अल्फा का और बीटा का, ठीक है, यानी दोनों मूल क्या आए हैं एक समान आए हैं। तो अगर एक बार अल्फा की वैल्यू 20 लेके देखते हैं तो ये किसके मान होते हैं, वैसे x के मान होते हैं जब हल करते हैं ना, तो ये उत्तर आते किसके हैं x के, x कितना माना था हमने चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी आई आपकी 20, चौड़ाई अगर 20 आई तो फिर लंबाई कितनी आएगी 40 माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा आप 20, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई 20-20 है तो इसका परिमाप कितना आएगा 40, 20 प्लस में 20 कितना 40, 40 गुना में 2 कितना 80, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, तो लंबाई गुणा में कितना चौड़ाई, यानी कि 20 गुणा में कितना 20, कितना आएगा 400, सही है। लेकिन ये पार्क बनाना संभव है, लेकिन ये पार्क बनेगा कैसे, वर्गाकार बनेगा पार्क, कैसा बनेगा जहां पर लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होंगी बराबर होंगी, आगे समझ में क्या, तो उसने तो यही पूछा था कि परिमाप इतना हो और क्षेत्रफल इतना हो तो क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है, तो हाँ हम कह देते हैं संभव है। तो वो कहता है कि अगर संभव है तो फिर लंबाई और चौड़ाई उसको बता दो, तो लंबाई और चौड़ाई हमने उसको निकाल के बता दी कितनी, कि लंबाई भी 20 लेनी पड़ेगी और चौड़ाई भी क्या लेनी पड़ेगी 20, ठीक है, कंप्लीट है ये चैप्टर।